हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास हिस्ट्री में आज का आपका विषय वस्तु है हड़प्पा सभ्यता धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के इसके पहले सामाजिक जीवन के संदर्भ में वीडियो आपके पास जा चुका है, धार्मिक जीवन के संदर्भ में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखें, लिखित साक्ष्य तो हमारे पास इस सभ्यता के संदर्भ में नहीं प्राप्त होता। कहने का तात्पर्य है कि हमें हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो भी उत्खनन से जो भी सामग्री प्राप्त होती है, उसी के आधार पर हम उस सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विषय में अनुमान लगाते हैं और निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से धार्मिक जीवन के संदर्भ में भी हमें लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती। केवल जो उत्खनन में जो भी सामग्री, जो भी मूर्तियाँ, जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो भी चीज़ें अंकित हैं मुद्राओं में या किसी चीज़ पे मुहरों में, उन्हीं के माध्यम से हम केवल अनुमान लगाते हैं और निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इस तरह से धार्मिक जीवन रहा होगा। आइए हम अपने विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पावासी जो है उनका धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह से धार्मिक व्यवस्थाएँ उनकी थी, कैसे वो उपासना करते थे, किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, किस तरह से उनका धार्मिक स्वरूप था, इसके विषय में चर्चा करते हैं हम लोग। हड़प्पावासी मातृ देवी, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन में भी आता है, मातृ देवी के साथ देवताओं की उपासना करते थे। दो बिंदु निकल के आया कि हड़प्पावासी मातृ देवी के साथ देवताओं की उपासना करते थे। तो मातृ देवी जो है महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर भी आपने देखा होगा, वैकल्पिक क्वेश्चन में भी निकल के आएगा कि हड़प्पा निवासियों के समय में, हड़प्पा कह सकते हैं हड़प्पा काल में जो परिवार का मुखिया होता था या परिवार उस टाइम में कैसा था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, तो कह सकते हैं मातृ सत्तात्मक था, यानी माता परिवार की मुखिया थी। तो हड़प्पा वासी जो है किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी के साथ साथ देवताओं की उपासना करते थे। अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं धार्मिक जीवन के संदर्भ में। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी। धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब है किसी भी संदर्भ में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था, कोई पूजा पाठ होता था, कोई जप तप होता था, कोई विशेष धार्मिक कार्य का संपादन होता था, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी जहाँ पर धार्मिक कार्यों को संपादित किया जाता था। लेकिन एक चीज़ और है, इस सभ्यता में मंदिर के प्रमाण जो है नहीं प्राप्त होते। अगर वैकल्पिक में अगर ये चीज़ आए कि मंदिर के प्रमाण इस सभ्यता में नहीं प्राप्त होते, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या धार्मिक आयोजन जो भी किए जाते थे उनमें धार्मिक इमारतों में बनाई गई, मतलब जो भी भवन होते थे वहाँ पर धार्मिक आयोजन होते थे, लेकिन मंदिर के प्रमाण इस सभ्यता में नहीं मिलते हैं। आगे हम लोग इसी क्रम में चलेंगे। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। बलि यहाँ पे आया है, जैसे हम लोगों के यहाँ प्रचलन में अब तो चोरी छिपे अब भी लोग बलि देते हैं जानवरों की, मूर्तियों के सामने, देवताओं के सामने। तो कहने का मतलब है उस समय हड़प्पा सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलन में था, जो देवी देवताओं के लिए बलि दी जाती थी। आगे हम इसी क्रम में चलेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर पद्मासन मुद्रा में एक मुख, मतलब ये पद्मासन मुद्रा में तीन मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। तो जो ध्यान की मुद्रा में पद्मासन स्थिति में जो पुरुष की मूर्ति मिली हुई है उसे क्या माना गया है, पशुपत महादेव, भगवान शिव को माना गया है। तो इस तरह से पशुपत महादेव के रूप में माना गया है। आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं। पशुपत वृक्ष लिंग योनि पशु आदि की उपासना हड़प्पावासी करते थे। महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि पशुपति वृक्ष लिंग योनि पशु आदि की उपासना हड़प्पावासी करते थे। इस काल में जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास भी प्रचलन में था। तो हड़प्पावासी कह सकते हैं जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि इस काल में प्रचलन में था। इसी क्रम में है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह होता है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है।
तो इस तरह से हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन के संदर्भ में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो भी दीवारों पे कह सकते हैं उत्कीर्ण है, जो भी मुहरों पे चित्र बने हुए हैं उत्कीर्ण हैं, उसी आधार पे हम केवल अनुमान लगाते हैं और इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन इस तरह का था। तो आज की इस वीडियो में धर्म हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के संदर्भ में हमने अध्ययन किया। इसी क्रम में आगे हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियो में आएंगे लेकर के, तो अगली कड़ी में जो भी विषय वस्तु होगा आपके सामने आएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।